हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये डिजाइन। इस डिजाइन से आप कुशन कवर, पिल्लो कवर, बेडशीट कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह के और डिजाइन देखने हैं तो मेरे चैनल पे आइए। मेरे चैनल का नाम है क्रिएटिविटी विद रीना। डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। डिजाइन बनाने के लिए कपड़े की मैंने कटिंग कर ली है। दो कलर के कपड़े से बनाएंगे, एक प्रिंटेड लिया है और एक प्लेन लिया है। तो ये दो पीस है, दोनों सेम साइज के हैं। तो मेजरमेंट में ये 5 इंच है यहाँ से, और यहाँ से भी 5 इंच है। 5x5 इंच के दो ब्लॉक हैं कपड़े के। इसके बाद ये दो पीस लिए हैं, इस कलर के हैं, और ये भी दो पीस हैं, दोनों सेम साइज के हैं। जैसे ये पीस है 5 इंच है, यहाँ से इतना ही है, और यहाँ से मैंने लिया है 2.5 इंचेस। ये भी सेम साइज के हैं। अब क्या करना है, जैसे ये पीस है इस कलर के, ये इसकी साइड आएंगे और ये पीस इस साइड आएंगे। जैसे ये मैंने इस तरह से लगाए हैं, इस तरह लगा देंगे। जिस तरह रखे हैं पीसेस उसी तरह हमें सिलने हैं। जैसे ये पीस इसके साथ सिलेंगे और ये इसके साथ, ये भी हम इसी तरह इसके साथ सिल देंगे। दोनों पीस बन के रेडी हो गए हैं। इसके बाद हमें दो और स्ट्रिप्स लेनी है। तो दो मैंने इस कलर की ली है और दो ये इस कलर की है। जैसे ये पिंक कलर की मैंने यहाँ पर लगाई है, तो ये यहाँ पर लगेगी और ये प्लेन कलर की यहाँ पर लगेगी। तो कितनी लेनी है हमें, जैसे यहाँ से इसके बराबर लेंगे। जैसे ये दोनों इस साइड में लगाती है, अब इनको इसी तरह सिल लेना है। यहाँ पर सिल देंगे और ये यहाँ पर सिल देंगे। और ये पीस है, इसमें हमारी ये प्रिंटेड लगेगी, तो ये यहाँ पर लगा देंगे और ये यहाँ पर लगा देंगे। लंबे में हमारी इतनी है और चौड़े में मैंने ली है यहाँ से 2.5 इंचेस। इसको भी हमें यहाँ पर सिल देना है। एक स्ट्रिप्स यहाँ पर सिलेंगे और एक स्ट्रिप्स यहाँ पर सिल देंगे। दोनों पीसे सिल दिए हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे हमें प्रेस कर लेनी है, और इसके बाद ये हमारा थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है सिलते टाइम कपड़ा। इसे हमें इस तरह से लाइन लगा के जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है चारों ओर से। तो दोनों पीस रेडी करेंगे। दोनों पीस रेडी हो गए हैं। इसके बाद हमें इन पीसेस को यहाँ से, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, यहाँ पे एकदम बराबर हमारा कॉर्नर से कॉर्नर आने चाहिए। इस तरह से लाइन लगा देंगे। और ये पीस है, ये भी हमें बराबर रख के, यहाँ पर ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये बराबर आने चाहिए। यहाँ पे हमें लाइन लगा देनी है। जिस तरह मार्किंग की है उसी तरह हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है। ये पूरा ऐसे कट करेंगे और ये भी कट कर लेंगे। ये बन गए 4 पीस। अब इन पीसेस को हमें चेंज करना है। जैसे ये पीस है यहाँ पर आ जाएगा, इसकी जगह पर ये पीस लगा देंगे, और इसकी जगह पर हमें ये पीस लगा देना है। इस तरह लगाने के बाद इनको हमें इस तरह से यहाँ से सिलाई लगा देनी है। ये हमारे जो सिलाइयाँ हैं बराबर आनी चाहिए, ये भी इसी तरह सिल देंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हमें प्रेस करनी है, तो पहले हमें इस तरह से प्रेस करनी है, उसके बाद इसको इस तरह से ऐसे पलट लेंगे, तो ऐसे प्रेस हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने प्रेस कर दी है। प्रेस करने के बाद ये कपड़ा, जैसे कॉर्नर हमारा इस तरह से निकल आते हैं, इनको कट कर लेना है। ये भी ऐसे कट कर लेंगे। दोनों पीस बन के रेडी हो गए हैं। तो ये दो पीस बन गए हैं। तो सेम साइज के दो पीस और बना लिए हैं मैंने। 4 पीस बन के रेडी हो गए हैं। अब इन पीसेस को हम सेट करेंगे। तो जैसे एक पीस है इस तरह से लगाएंगे, ये पिंक वाली जो प्रिंटेड साइड है ऐसे आएगी, तो दूसरा भी हमें इसी तरह रखना है ऐसे। ये प्रिंटेड साइड और ये प्लेन ऐसे आएगी। तो दो पीस इस तरह रख दिए हैं। अब तीसरा पीस ऐसे रखेंगे, ये भी हमें इसी तरह रखना है। ये प्रिंटेड साइड ऐसे आएगी और ये पीस है, ये भी ऐसे रखेंगे। चारों पीस सेट कर दिए हैं। अब इनको इसी तरह सिलना है। जैसे ये पीस इसके साथ सिल देंगे और ये पीस इसके साथ सिल देंगे। दोनों पीसेस सिल दिए हैं। अब इन पीसेस को इस तरह सिलना है। ये सेंटर की जो सिलाई है इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। की सिलाई लगा दी है। ये सारे पीसेस ज्वाइन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद ये हमारा बना है 15 इंच, और यहाँ से भी हमारा ये 15 इंच है। 15x15 इंच का ये बन गया है।
तो इसका हम कुशन कवर बना सकते हैं। और अगर आपको जैसे बेडशीट या इसका टेबल का कवर या कुछ भी बनाना है, तो जैसे ये मैंने पूरा पीस बनाया है, इस तरह पीसेस बना ले और आगे आगे ज्वाइन करते जाएंगे, पूरा डिज़ाइन हमारा इस तरह से बन जाएगा पूरी बेडशीट का। बनने के बाद ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है। फ्रेंड्स, डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो गया है। डिज़ाइन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो में।